हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मैंगोज़ के कुछ मज़ेदार रेसिपीज़, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और मेरी बेटी के स्कूल में कार्निवल था, तो उसके भी कुछ आध ग्लिम्स में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाते हैं आमरस। और आमरस बनाने के लिए मैं यहाँ पे अल्फांसो मैंगोज़ यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे कैलिफोर्निया में मैं इंडियन स्टोर से ये ले आई थी। तो मैंगोज़ को मैंने थोड़ी देर पानी में सोक करके रखा था। सोक करने से अच्छे से वो सॉफ्ट होंगे, क्लीन भी होंगे, और मैंगोज़ में जो एक्सेस हीट है वो भी कम हो जाएगा। तो सोक करने के बाद पील करके अच्छे से वो जो मैंगो का पल्प है वो मैंने निकाल दिया था। मैंगो पल्प को मिक्सचर जार में डाल के उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो बस ऐसे दो बैचेस में मैंने मैंगो का पल्प ले लिया था, और पल्प बना के मैंने उसे रेफ्रिजरेट किया था, और खाने से पहले मैंने इसे अभी निकाला है। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और उसमें मैं ऐड करूँगी इलायची का पाउडर, और उसमें थोड़ा सा केसर भी मैं ऐड करूँगी। ये आमरस रोटी के साथ, पूरी के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है, और नहीं तो एज अ डेज़र्ट भी आप सिर्फ इसे प्लेन ऐसे ही खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और यम ये होता है। जो भी मैंगो लवर्स हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। तो कभी आपने आमरस की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो डू गिव इट अ ट्राई। पूरी के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो इलायची और केसर डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने शुगर बिल्कुल ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंगो काफ़ी मीठे थे। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप शुगर ऐड कर सकते हो। और बस हमने रोटी के साथ आमरस एंजॉय किया। हेलो दोस्तों, तो आज है फ्राइडे और आज वन्या के स्कूल में कार्निवल है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। यूजुअली जब स्कूल ईयर एंड होता है तभी ऐसे वो रखते हैं। वो बेसिकली मेला टाइप्स का होगा, जिसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के लिए, जैसे कि फेस पेंटिंग हुआ, उनको खेलने के लिए कुछ, खाने पीने के कुछ हाथ स्टॉल्स होंगे। तो 3:30 से लेके 7:30 तक है, तो हम लोग अराउंड 5 बजे निकलेंगे। तो बस वही जाना है। अभी स्कूल से आ गए हैं, उनको मैंने कुछ स्नैक्स दिया है, टीवी देख रहे हैं, और फिर हम भी चाय पियेंगे और फिर 5 बजे निकलेंगे। और आज खाना मैंने बना दिया है दोनों टाइम का, क्योंकि आने को थोड़ा लेट होगा और फिर आने के बाद मन में नहीं करेगा। तो कुकिंग इज़ डन। चावल बनाना है तो आने के बाद मैं फ्रेश गरम गरम बनाऊंगी, बाकी खाना तो इज़ सेट। और देखते हैं, अगर बच्चे वहाँ कुछ खाते हैं तो वो ज़्यादा खाएंगे भी नहीं। सो या लेट्स सी। और बस अभी स्कूल के कुछ लास्ट के दिन बचे हैं, तो मई एंड तक स्कूल ईयर उनका ख़त्म हो जाएगा, और अगस्त के मिड में ही उनका नया स्कूल ईयर स्टार्ट होगा। तो बस स्कूल में कार्निवल था तो हम आ गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स रखे थे, जहाँ पे उन्होंने एक प्राइस कोड किया था, और एक वहाँ पे लिस्ट भी रखा था, आपका नाम और नंबर लिख के आप उसको मतलब बेट कर सकते हो। जैसे कि ये $50 का अगर वो प्राइस हैम्पर है तो आप कितना दोगे, तो जो भी जिनका भी सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा उनको वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट गिफ्ट हैम्पर्स रखे थे, ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स वगैरह थे, और उसके लिए उनको कुछ वो छोटे छोटे निकनैक जो टॉयज़ है वो मिल रहे थे। तो बस सारे जो गेम्स है वो वन्या ने ट्राई किया। और ये उनके स्कूल का बड़ा सा कैंपस कम प्लेग्राउंड है, तो वहीं पे उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स की थी, जो गेम्स वगैरह है वो अरेंज की थी। वहाँ पे कुछ आध फूड ट्रक्स भी थे,
तो स्निग्धा का फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मन हुआ तो एक ले लिया था, तो दोनों ने भी खाया एंड देवर हैप्पी। और वहाँ पे कुछ आज बच्चों के लिए गेम्स भी थे, जैसे कि ये इन्फ्लेटेबल जो एयर बलून के स्लाइड्स वगैरह थे वो सब थे, एक्टिविटीज़ थे। स्निग्धा भी ये सब कर सकती थी, पर पता नहीं उस दिन उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, तो वो बस वन्या को देख के एंजॉय कर रही थी। और वन्या ने एंजॉय किया, ऐसे स्लाइड्स वगैरह कुछ थे तो वो उसने थोड़ी देर खेली। तो बस ऐसे ही वो जो शाम है वो बीता। स्कूल हमने पूरा ऐसे घूम के देखा। और बस फिर हम वहाँ से फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद वन्या पज़ल लेके बैठ गई थी, तो ये 100 पीस पज़ल है। जब वन्या छोटी थी 4-5 साल की, तो बहुत पज़ल सॉल्व करती थी, उसको बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी वो जो उसमें इंटरेस्ट है वो चला गया था, क्योंकि एक होता है ना कि एज के साथ आपको उस चीज़ से इंटरेस्ट भी हट जाता है। पर अभी अचानक से अगेन शी इज़ लाइकिंग टू डू पज़ल्स। आजकल वो कम खेलती है, पर पज़ल्स और पेंटिंग्स, बुक रीडिंग में ज़्यादा उसका टाइम निकलता है। तो वही वो मुझसे कह रही थी कि उसको एक बड़ा पज़ल लेना है, तो मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, समर हॉलीडेज़ में एक 1000 पीस का पज़ल हम ले लेंगे। चलिए मैं अभी शेयर करती हूँ रॉ मैंगो राइस की रेसिपी। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, तेल गर्म होते ही राई डाला है, उड़द की दाल डाला है, थोड़ी सी चने की दाल। अच्छे से दाल को सौटे कर लेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर उसमें डाला है सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च, और बस अच्छे से सौटे करके फिर हम उसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो ये बेसिक सा ही तड़का है, और तड़के को अच्छे से मिक्स करने के बाद हींग ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने एक रॉ मैंगो को अच्छे से ग्रेट कर लिया था रात को ही, ये मैं लंच बॉक्स में बना रही हूँ। तो अभी ये जो कच्चा आम को ग्रेट करके रखा था वो हम इस तड़के में ऐड करेंगे। अच्छे से एक 3 से 4 मिनट अच्छे से तड़के के साथ हम भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे, और ये जो रॉ मैंगो का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। और साइड में मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है, और चावल ठंडा होने के बाद इसमें हम स्प्रेड करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो रॉ मैंगो राइस इज़ बिल्कुल रेडी। और तड़के में आप पीनट्स भी ज़रूर डालिए, मैं पीनट्स डालना भूल गई। तो बस बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ही टेस्टी, लेमन राइस के जैसा ही है, पर मैंगो का फ्लेवर थोड़ा अलग ही आता है। सो डू गिव इट अ ट्राई। और बस लंच वगैरह हो गया था, मैंगो राइस ही हमने लंच में किया था, तो ज़्यादा करके मैंने बनाया था, तो मैंने उस निग्धा ने वही लंच में किया, उसके साथ थोड़ा सलाद कट कर लिया था। और फिर मुझे याद आया कि वो जो मैंने ऑयल डिस्पेंसर्स लिए थे उनको वॉश करना है, तो मैंने उसे अच्छे से वॉश करके मैं ड्राई होने दूंगी, और फिर आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। तो रिसेंटली मैंने एक मिनी अमेज़ॉन हॉल शेयर किया था, जिसमें मैंने ये दिखाया था, ये सेट ऑफ टूम है, ग्लास के ये जार्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यूज़ अभी मैं करके फिर आपको बताऊँगी, इनकेस आपको चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और बस फिर थोड़ी देर बैठ गई थी, कुछ वीडियो का काम कर रही थी, और अभी हम स्कूल जा रहे हैं वन्या को पिक करने। और फिर शाम को स्निग्धा का डेंटल अपॉइंटमेंट था, तो हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे, हम भी जाने वाले थे, पर वन्या का ड्राइंग क्लास था उस दिन, तो इसके लिए मैं नहीं गई, तो बस वो अपने पापा के साथ चली गई थी। और मैंने उनसे कहा था कि कुछ आध क्लिपिंग्स ले लो, तो बस ये रेगुलर चेकअप ही था, जिसमें वो टीथ के क्लीनिंग जो है वो करेंगे, और फिर बस चेक करेंगे कि सब सही है कि नहीं। और वो अच्छे से स्निग्धा बैठी थी, शी कोऑपरेटेड वेल, और अच्छे से उसने वो क्लीनिंग वगैरह भी करके लिया। तो
और स्निग्धा के स्कूल में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स के साथ डेंटल का भी जो आपको चेकअप है, रिपोर्ट है, वो दिखाना था, वो मैंडेटरी था। इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, किसी किसी स्कूल में डेंटल नहीं होता है, पर इसके लिए था तो वो भी स्कूल स्टार्ट होने से पहले करवाना ज़रूरी था। तो बस चेकअप डन हो गया और उसके लिए टीवी वगैरह वहाँ पे लगाया था सो दैट शी कीप्स एंगेज। और उसके वहाँ से कुछ एक टूथ का जो किट है वो मिला, जिसमें एक टूथब्रश है, टूथपेस्ट वगैरह था और कुछ आर्ट स्टिकर्स मिले। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मैंने बहुत ब्रीफ में ही सब दिखाया है, ज़्यादा वीडियो को मैंने खींचा नहीं है ताकि आप भी इसे देख सके। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आई लाइक टू गो थ्रू योर कमेंट्स। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लिंक्स भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल में और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, ऑलमोस्ट 230 वीडियोज़ हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, टेक केयर। Bye-bye.